दोस्तों यहाँ पे मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एक दफ़ा देख लें कि ये काम कैसे करती है, उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे इसको इंस्टॉल करने पे, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके लिए ऐसी वीडियो क्रिएट करेगी जो कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लगाते हैं या किसी दोस्त को आप भेजते हैं तो वो हैरान हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं किसी एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। चले मैं इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि हमें कितनी वीडियोज़ मिलती हैं। यहाँ पे हमें 2 वीडियोज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आई मिस यू है और एक विदाउट यू है। तो इस तरह की अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो लोड होगी। उसके बाद आपको सिंपल सी अपनी 2-3 तस्वीर यहाँ पे इनपुट करनी होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की वीडियो ये चल रही है और इस तरह की वीडियो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने इसका म्यूजिक जो है वो म्यूट किया हुआ है। अगर म्यूजिक मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो यहाँ पे कॉपीराइट के इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं म्यूजिक प्ले नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह की वीडियो बन सकती है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पे तस्वीरें जो है वो लगानी है और बाकी की वीडियो ये एप्लीकेशन खुद बहुत आपके लिए बना देगी। बिल्कुल यही सीन्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी पिक्चर्स चेंज हो जाएंगी। और यही नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा में टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारे इसमें, यहाँ पे देखें ये पर्सनैलिटी के हवाले से, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे माई लाइफ है और इन्जॉय लाइफ है। तो यहाँ पे माई लाइफ के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे भी एक डिफरेंट किस्म की वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखें किस तरह से ये वीडियो चल रही है और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि काम कैसे करना है इसके ऊपर। यहाँ पे नीचे देखें राइट साइड पर जो है आपको एक बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे सेंटर में राइट साइड पे एरो का बटन है रेड कलर का, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐड वगैरह आता है तो स्किप कर दें और यहाँ पे आपके पास 1 by 1 करके फोटोज आते जाएंगे और आपने वो फोटो जो है वो रिप्लेस करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फोटो आ चुका है, तो नीचे ऐड फोटो के ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों मैं कोई भी एक फोटो यहाँ पे लगा दूंगा। तो चलिए मैं इमेजेस में जाता हूँ और जहाँ पे मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड किए थे तो वो हम लगाते हैं। यहाँ पे एक फोटो मैं ये लगा देता हूँ, ये कुछ बच्चों का फोटो है, ठीक है, हम यहाँ पे एक ये सेट कर देते हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फोटो मैंने रिप्लेस करा है। मेरे पास जो फोटोज हैं उनके फॉर्मेट थोड़े डिफरेंट हैं, तो मे बी ये थोड़े से अजीब लगे, लेकिन आपने जो है यहाँ पे कंप्रोमाइज करना है और आप जो भी फोटो यहाँ पे लगाएंगे तो उसको आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ये फोटो यहाँ पे फिट आ चुका है। अभी ऊपर देखें ऐड म्यूजिक का भी बटन आपको मिलता है, तो यहाँ के ऐड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके ये आपसे पूछेगा कि डिफॉल्ट म्यूजिक जो पहले से चल रहा है वो आप रहने दें या अलग से कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिफॉल्ट म्यूजिक ही रहने देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंडरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे देखें ये इसको जनरेट कर रहा है, वो पिक्चर्स जो है वो सारे सीन में ऐड हो रही हैं और अभी हम देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। और मज़े की बात है कि आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो वीडियो भी चलना स्टार्ट हो जाएगी जो आपके लिए जनरेट हो रही है और नीचे जो है उस वीडियो की रेंडरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत इजीली आप उसको अपने मोबाइल गैलरी में सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो तस्वीर मैंने लगाई थी वो तस्वीर भी शो हो रही है और यहाँ पे आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी हैरान कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस आपका बहुत मजा करने वाला है अगर आप इस ऐप के थ्रू बनाते हैं। तो ऐप उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम इस रेंडरिंग को रहने देते हैं, अभी हम जाते हैं और आपको बताते हैं कि आप यहां से इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करेंगे। यहां पे दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हो उसके टाइटल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद अगर चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पे भी क्लिक कर दें, यहाँ पे ऑल के बटन पे क्लिक करें और नीचे आपको मिलेगा ऐप लिंक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और मजे मजे की वीडियो सिर्फ 2 से 3 तस्वीर देके बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।